नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल टीचिंग गाइडर में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है हम ट्रिक लेकर आए हुए हैं, जो कि ट्रिक ये है हमारे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस ट्रिक में हम ये सीखेंगे कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाले प्रमुख रोगों को याद करने की ट्रिक को सीखेंगे, और सेकेंड ट्रिक हमारा जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को याद करने की ट्रिक को सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पहले ट्रिक को देखते हैं। जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग प्रमुख रोग होते हैं, इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए ट्रिक क्या है हमारा फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, पंडित कार्तिक सी न्यू है। क्या ट्रिक है हमारा? पंडित कार्तिक सी न्यू है फ्रेंड्स। इसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है अपने नोट्स में नोट कर लेंगे, तब जाकर आपको आसानी से याद हो जाया करेगा। तो ट्रिक हमारा क्या है, पंडित का टैक्सी न्यू है। तो फ्रेंड्स, प से क्या हो जाएगा, प से हमारा जो है प्लेग रोग हो जाए, यानी कि ये जो रोग होता है हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके बाद आता है हमारा डी, यानी कि डी से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, डिप्थीरिया रोग हो जाता है। डिप्थीरिया रोग भी जो होता है हमारा, ये जो होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के द्वारा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा पंडित, यानी कि त को जो है यहाँ पे हम ट पढ़ेंगे, त को क्या पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे। तो ट से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, ट से टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड भी जो होता है हमारे एक जो है ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। इस रोग को आप जो है भले भांति प्रकार से जानते भी होंगे। इसके बाद हमारा आता है क, यानी कि पंडित का। तो का से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, का से हो जाता है हमारी काली खांसी, यानी कि काली खांसी भी जो होती है हमारी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा जो होती है ये रोग होती है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है हमारे टी, यानी कि टी से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, टी से जो है हमारा टिटनेस हो जाएगा। टिटनेस भी जो होता है हमारा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा जो है ये फैलता है, बैक्टीरिया के कारण जो होता है हमारा टिटनेस रोग होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा टीकसी, यानी कि टीकसी में क्या बसता है, क्या बसता है, तो कैसे क्या हो जाता है, कुष्ठ रोग, यानी कि कुष्ठ रोग भी जो होता है हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है सी, टीकसी, यानी कि सी से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, टिकसी में सी से क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, सिफिलिस हो जाएगा, यानी कि सिफिलिस रोग जो होता है हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है टिकसी न्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिकसी न्यू है। तो न्यू से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, न्यू से न्यूमोनिया हो जाएगा, यानी कि न्यूमोनिया रोग जो होता है ये भी जो होता है हमारा अधिकतर करके छोटे बच्चों में होता है, और ये जो होता है हमारा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण फैलता है, जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा है से क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स है से हमारा जो है हैजा रोग हो जाएगा, यानी कि हैजा रोग भी जो होता है हमारा यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के द्वारा रोग ये होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये हमारा ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसे आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस ट्रिक में हम ये सीखे कि फ्रेंड्स जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, उसको ट्रिक याद करने की ट्रिक क्या था, पंडित का ट्रिक सी न्यू है। तो फ्रेंड्स नोट्स में अपने नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं कि यानी कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोग हैं ये जो है, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन भी हैं। तो क्या है मेरा फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसका ट्रिक क्या है हमारा फ्रेंड्स, पापा काम पे सोते हैं। ट्रिक क्या हमारा है, पापा काम पे सोते हैं। तो फ्रेंड्स पा से क्या हो जाएगा हमारा, पा से जो है फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा पापा से, यानी कि पापा से क्या हो जाएगा, तो पायरिया रोग। पायरिया रोग जो होता है हमारा मसूड़ों में होता है, दांतों के मसूड़ों में होता है, जो कि जो होता है हमारे प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ से होने वाले ये रोग होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है का, यानी कि पापा काम पर, तो का से क्या हो जाता है, काला जार। काला जार जो रोग होता है हमारे फ्रेंड्स प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है म, यानी कि मलेरिया। म से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया रोग भी जो होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रोटोजोआ के कारण ही फैलता है, प्रोटोजोआ के कारण ही ये रोग होता है, प्रोटोजोआ से ये रोग होते हैं। ये जो रोग हमारे फ्रेंड्स प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है पापा काम पे सोते हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, पे, यानी कि पे से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, पेचिस हो जाएगा, यानी कि पेचिस रोग जो होता है हमारा प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। ये जो होते हैं हमारे रोग जो होते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा सोते हैं, तो देखिए सोते हैं तो एक सोने की बीमारी होती है, सोने की बीमारी होती है, ये भी जो रोग होता है हमारा प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये भी ट्रिक हमारा समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक में हम ये सीखे कि प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो इस ट्रिक क्या था हमारा, पापा काम पे सोते हैं।
तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप जो है अपने नोट्स में नोट कर लेंगे और ये दोनों ट्रिक को आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं पे दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग जो बिल्कुल उनको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।